चलिए दोस्तों, अभी हम PDF फाइल के ऊपर आ चुके हैं। ये देखिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो नोटिफिकेशन का PDF फाइल है। तो ये देखिए, यहाँ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2020। तो पहले आप लोग सोच रहे होंगे कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव होता क्या है, आप लोग मन में सवाल हो रहा है तो एग्जीक्यूटिव क्या होता है। आप लोगों को मालूम होगा इंडियन आर्मी में सोल्जर GD होता है, जो जनरल ड्यूटी होता है, वैसे ही पैरामिलिट्री फोर्स में कांस्टेबल GD होता है, तो जनरल ड्यूटी होता है। तो सेम टू सेम दिल्ली पुलिस में इस कांस्टेबल को, जनरल ड्यूटी कांस्टेबल को, उसको एग्जीक्यूटिव बोला जाता है। तो इसका ऑल इंडिया अप्लाई है 1 अगस्त से शुरू है और उसका लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 7 सितंबर 2020। तो इसका लास्ट का ऑनलाइन एप्लीकेशन का रिसिप्ट है, रिसिप्ट का टाइम है 7 सितंबर 2020। तो आपका फी पेमेंट का लास्ट डेट है 9/9/2020। तो ऑफिशियल चालान जो पे करेंगे 100 रुपये का, उसका 11/9/2020। तो आपका कंप्यूटर एग्जामिनेशन, जो आपका रिटर्न एग्जामिनेशन है, 27 नवंबर 2020 में एक डेट है और 14। उसके बाद चलिए पोस्ट देखते हैं। यह है ग्रुप सी लेवल का पोस्ट, क्योंकि इसका 7th पे कमीशन के अनुसार 21,769,600। तो ये ग्रुप सी का पोस्ट है। तो पहले देख लीजिए ऑन रिजर्व जो जनरल कैटेगरी है, 1,681 पोस्ट है। उसके बाद जो इकोनॉमिकल रिकॉर्ड है उनका 343, OBC 662, SC 590, ST 157। तो 3433 पोस्ट है जो नॉर्मल कैंडिडेट, जो ओपन कैंडिडेट में आएंगे। तो उसके बाद आ जाता है एक सर्विसमैन, जो आर्मी नावी एयरफोर्स से रिटायर्ड है, पर पैरामिलिट्री फोर्स की जवान इसको नहीं दे सकते, क्योंकि एक सर्विसमैन कोटा सिर्फ आर्मी नावी एयरफोर्स को मिलता है। तो उनके लिए 226 वैकेंसी है। उसके बाद जो एक सर्विसमैन में, जो आर्मी नावी एयरफोर्स में जो कमांडो होते हैं, जो गरुड़ो कमांडो, जैसे एयरफोर्स में गरुड़ा कमांडो और नेवी में मार्कोस, तो उसी तरह कमांडो जो रहते हैं ना, उस कमांडो को स्पेशल वैकेंसी मिला है 200। तो उसके बाद रिलैक्सेशन देखिए, SC ST को रिलैक्सेशन 5 साल है, OBC को 3 साल है, जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनका 5 साल रिलैक्सेशन है, जो स्पोर्ट्स पर्सन और ST कैटेगरी उनको 10 साल है, जो डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स है दिल्ली पुलिस की उनको 40 साल तक रिलैक्सेशन है, और जो अनरिजर्व है और जो अदर बैकवर्ड क्लास है उनका 43 ईयर्स, डिपार्टमेंट कैंडिडेट दिल्ली पुलिस SC ST उनका 45 ईयर्स, और जिसको जी सन ऑफ डाटा सभी रिटायर्ड डिक्कीज, जो दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड है और दिल्ली पुलिस से एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ये जो बहुत चीज़ ज़रूरत है। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऐसा है, आपको 10th+2 पास होना ज़रूरी है। बाकी जो दिल्ली पुलिस की पर्सनल है उनके बच्चों के लिए 11th पास ज़रूरत है, और बाकी जो दिल्ली पुलिस में जो बैंड्समैन है, बिगलर्स है, माउंटेन कांस्टेबल है, ड्राइवर है, डिस्पैच राइडर और जो पोस्ट में है उनको 11th क्लास, मतलब एक क्लास छूटे। तो 10th+2 नॉर्मल स्टूडेंट को, उनका 10th+2 पास होना ज़रूरी है। हर कैंडिडेट के पास लाइट मोटर व्हीकल, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस, लाइट लाइसेंस होना चाहिए लाइट व्हीकल का। तो लर्नर लाइसेंस जिसके पास है वो एस्पेक्टफुल नहीं है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जिसका ये एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन और ड्राइविंग लाइसेंस बात चले, यदि आपके पास NCC सर्टिफिकेट है, तो NCCA सर्टिफिकेट है, तो 2% ऑफ मैक्सिमम मार्क ऑफ एग्जामिन, तो आपको 2% मार्क एक्स्ट्रा मिलेगा। जिसके पास NCCB है तो 3%, जितना मैक्सिमम मार्क्स है तो आपको एक्स्ट्रा 3% मार्क मिलेगा। सपोज आपका टोटल मार्क है 100 मार्क से आपको 3%, तो 3% हिसाब कर दीजिए, 3 मार्क आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। कौन सी सेंटर में आप एग्जामिनेशन दोगे, एग्जामिनेशन का सेंटर है आपके नज़दीक, कहीं भी आप आराम से एग्ज़ाम दे सकते हो नज़दीक। पर आपको फिजिकल के लिए आपको दिल्ली में जाना पड़ेगा,
जिसमें आपको फिजिकल होगा। तो पहले देख लीजिए रिटन का टेस्ट, क्योंकि इसी रिटन टेस्ट में आपका मेरिट बनने वाला है, इसी कट ऑफ में आपका फाइनल मेरिट बनेगा। तो इसमें आपको 100 क्वेश्चन आएगा, 100 मार्क आएगा। 100 मार्क में जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स, जो करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज 50 मार्क का है, उसके बाद रीजनिंग 25 मार्क है, और न्यूमेरिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स 15 मार्क आएगा, और कंप्यूटर फंडामेंटल जो बेसिक जानकारी है उसकी 10 मार्क आएगा। तो इसमें आपको 90 मिनट मिलेगा, 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करना है 100 मार्क की। तो इसमें नेगेटिव मार्क है, नेगेटिव मार्क आप 4 गलत करते तो 1 मार्क आपको माइनस होगा, मतलब 1 गलती का 0.25 मार्क आपका माइनस हो जाएगा। तो यदि आप इसमें और एक फ़ायदा है, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन 2 लैंग्वेज में रहेगा, इंग्लिश में रहेगा और हिंदी में रहेगा। आप अपने आंसर की देखना चाहते हैं तो कभी तो 100 रुपये पेमेंट करने के बाद आपका आंसर की आराम से देख सकते हैं। तो इसका सिलेबस दे रखा है, तो सिलेबस दे रखा है वही जनरल नॉलेज की, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, देन इंडियन इकोनॉमी, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च। तो इसको आप बढ़िया से करंट अफेयर इसको टोटल बढ़िया से पढ़ के जाना है, उसके बाद रीजनिंग वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, देन उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी इसमें सिर्फ मैट्रिकुलेशन तक दे रखा है इसका सिलेबस, पर आपको प्लस टू लेवल को मैथमेटिक्स पढ़ के जाना है। उसके बाद नेक्स्ट कंप्यूटर फंडामेंटल्स, MS वर्ड, MS एक्सेल वर्ड, वर्ल्ड वाइड वेब, वेब ब्राउजर्स, इंटरनेट, इसके बारे में आपको बेसिक जानकारी, बेसिक क्वेश्चन से आपको पढ़ के जाना है, जिसमें आपको बस 1 मार्क 1 मार्क 10 मार्क के क्वेश्चन आएगा, उसको आप कवर करना है। तो इसमें लिखा है क्वेश्चन मैट्रिकुलेशन लेवल है, पर मैट्रिकुलेशन लेवल का मतलब आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, आपका शारीरिक क्षमता। देखिए जो 30 साल से नीचे जो है उनको 1600 मीटर 6 मिनट में पार करना पड़ेगा लॉन्ग जंप, तो लंबी कूद 14 फीट और ऊंची कूद 3 फीट 9 इंच। जो पहले रिटर्न में पास करेंगे, रिटर्न में क्वालिफाई होंगे, उनको इसमें देना है, एग्जाम देना है। तो जो पहले जो रिटर्न टेस्ट में नॉर्मल हाइट 170 सेमी होना चाहिए, 5 सेमी रिलैक्सेशन हील एरिया के लिए, ST कैंडिडेट्स के लिए 5 सेमी रिलैक्सेशन है, तो चेस्ट भी उनके लिए रिलैक्सेशन है। उसके बाद महिलाओं के लिए 30 साल से नीचे 8 मिनट 1600 मीटर 10 मिनट लॉन्ग जंप 3 फीट हाई जंप। उसके बाद 30 से 40 साल के अंदर 9 मिनट 1600 मीटर 9 फीट लॉन्ग जंप 2 फीट 9 इंच हाई जंप। तो 40 साल से ऊपर है उनके 10 मिनट 1600 मीटर 8 मिनट लॉन्ग जंप 2 फीट 6 इंच आपको हाई जंप लगाना पड़ेगा। तो फिजिकल में कुछ मार्क नहीं मिलेगा, तो फिजिकल में आपको बस क्वालिफाई करने पर, मैं पहले ही बता चुका हूँ, रिटर्न में ही आपको मेरिट बनेगा, जितना आप ज़्यादा। ये देखिए आ गया है अप्लाई का फाइल, इसमें पहले दे रखा है डू यू हैव आधार, यदि आपके पास आधार है ये कीजिए, आधार नंबर लिखिए इधर ही, उसके बाद आधार नंबर को वेरीफाई कर लिए फिर एंट्री कीजिए। उसके बाद टाइप ऑफ आईडी, तो टाइप ऑफ आईडी आप आधार भी लिख सकते हैं, वोटर आईडी लिख सकते हैं, पैन कार्ड भी लिख सकते हैं। उसके बाद आईडी नंबर आपको डालना है, जो आईडी का नंबर होता है उसमें आईडी नंबर डालना है। उसके बाद नेम, आपका नाम उसमें लिखना है। उसके बाद नेम लिखने के बाद आपका नेम फिर से एंट्री करना है वेरीफाई के लिए। आप हैव यू एवर चेंज नेम, आपका नेम चेंज है क्या, तो चेंज है तो उसके नाम न्यू नाम लिखिए, तो नहीं है तो नो लिखिए। उसके बाद पिता का नाम, उसके बाद फिर से एंटर कीजिए पिता का नाम वेरीफाई के लिए। उसके बाद मदर नेम फिर से एंटर करना पड़ेगा आपको वेरीफाई के लिए। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करना है। उसके बाद आपका टेंथ एग्जामिनेशन डिटेल, आप कौन सी बोर्ड में पास किए उसको भरना पड़ेगा। उसके बाद वेरीफाई, देन आपका रोल नंबर, फिर से आपका रोल नंबर एंट्री करना हो। ये सब आपका ऑनलाइन ही होने वाला है। तो उसके बाद आपका कौन सी साल मैट्रिक पास किया है, उसके बाद मैट्रिक पास का ईयर आपको लिखना है, कौन सी साल में प्रैक्टिस पास किए हैं। उसके बाद आपका जेंडर, तो आपका मेल या फीमेल या ट्रांसजेंडर उसमें आपको क्लियर करना है, तो मेल है तो मेल, उसके बाद वेरीफाई मेल। उसके बाद आपका लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप कितना तक पढ़ाई किए हैं। उसके बाद आपको शायद आप ग्रेजुएशन के तो ग्रेजुएशन, तो आप मास्टर डिग्री के तो मास्टर डिग्री लिखेंगे।
उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है, उसके बाद आपका ईमेल आईडी, उसके बाद आपको नेक्स्ट नेक्स्ट को क्लिक करना है। नेक्स्ट को क्लिक करने के बाद कैटेगरी, आप फिर से कैटेगरी को आप क्लिक करना है। जनरल है तो जनरल, आप इकोनॉमिकल बैकवर्ड है तो इकोनॉमिकल बैकवर्ड में करना है। उसके बाद ओबीसी, एसटीसी, जिसमें जो आपका कैटेगरी है उसमें एंट्री करना है। उसके बाद वेरीफाई कैटेगरी फिर से आपको करना पड़ेगा। तो फिर नेशनलिटी, आपका नेशनलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया लिखना है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपका मार्क, क्या मार्क आपका शरीर में कहीं मार्क है, कुछ ब्लैक मोल है, उसको लिखना पड़ेगा। आर यू ए पर्सन बैंच में आप डिसेबिलिटी है क्या, तो आप मतलब कहीं डिसेबिलिटी पर्सन है तो उसमें यस कीजिए, यदि नहीं है तो नो, क्योंकि डिसेबिलिटी पर्सन इज नॉट फिट फॉर दिस जॉब। उसके बाद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर, उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपका स्टेट, कौन सा स्टेट से आप बिलोंग, फिर ये फाइल आ जाएगा जिसमें आपको, उसके बाद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर, उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपका स्टेट, कौन सा स्टेट से आप बिलोंग, फिर ये फाइल आ जाएगा जिसमें आपको फ़ोटो और सिग्नेचर, जो फ़ोटो की 20 KB से 50 KB के अंदर होना चाहिए, 3.5 सेमी वाइड और 4.5 सेमी हाइट से होना चाहिए। उसके बाद आपका सिग्नेचर अपलोड करना है जो 10 KB से 20 KB के अंदर होना चाहिए। देन उसके बाद आपको टोटल आप चेक करना है। उसके बाद आप चेक करने के बाद इसको ड्राफ्ट प्रिंट में क्लिक करना है। ड्राफ्ट प्रिंट करने के बाद ये सब आ जाता है। ड्राफ्ट प्रिंट करने पर देन आपको पेमेंट का एक ऑप्शन आ जाता है, पेमेंट का एक ऑप्शन आ जाता है, क्योंकि ड्राफ्ट प्रिंट करके आई हेयर बाय उसको आई एग्री करने के बाद फाइनल सबमिट करके आपको एक पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। पेमेंट ऑप्शन आने के बाद आपको फिर पार्ट टू रजिस्ट्रेशन करना है। एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, उसके बाद आपका नेम, उसके बाद यदि न्यू चेंज नेम न्यू नहीं उसको फिलअप नहीं करना है, उसके बाद फादर नेम, मदर नेम, उसके नाम, डेट ऑफ बर्थ, एज, वो अपने आप आ जाता है रजिस्ट्रेशन इस हिसाब से। देन आपको एग्जाम अभी इसके बाद आपको फिलअप करना है। आप स्पोर्ट्स, यदि आप स्पोर्ट्स पर्सन हो उसमें स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आप ये सिलेक्ट करना है कौन सा गेम से हो आप। उसके बाद आपको कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर, आपको 3 एग्जामिनेशन सेंटर आप दे सकते हो, इसमें दे रखा है। यदि आप एक सर्विसमैन है आप यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। उसके बाद उसके हिसाब से आपका डाटा दीजिए आपका सर्विस का। देन उसके बाद आप सिविल पोस्ट है, कौन सी सिविल है, सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय है तो उसका आप डाटा दीजिए। आखिर में आपका नेशनल, आप यदि एनसीसी है तो एनसीसी का आप दे सकते हैं, यदि नहीं है नो कीजिए। तो टाइप ऑफ सर्टिफिकेट, आप एनसीसी में ए या बी या सी इधर ही एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है इसमें लिखिए, जो या अदर से नहीं तो एमए एमएससी जो भी है आपका लिख सकते हैं। उसके बाद आपको क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वही लिखिए। उसके बाद आपका बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एंट्री कीजिए। उसके बाद रोल नंबर, कौन सा सब्जेक्ट में पास किए, कौन से साल में पास किया, परसेंटेज कितना था। तो पोस्टल एड्रेस आपका यहीं पर एंट्री करना पड़ेगा जिसमें आपको लेटर आएगा।